जिहड़े बंदे इलाज करवाना सीगा ते इलाज वास्ते उन्होंने पैसे चाहिए सीगे, मगर वो टीचर भी जिहड़े हैगे ने मनजिंदर सिंह सिरसा जी नूं कालका जी नूं गुहार लगाते रहे कि सानू पैसे दे दिओ, उन्हां दा परिवार वाले गुहार लगाते रहे कि साडा परिवार का मैंबर जिहड़ा तुहाडे स्कूलां दे विच टीचर ने वो बीमार ने, इलाज करवाउण वास्ते पैसे चाहिए ने, मगर इलाज कराने वास्ते भी पैसे उन्हां नूं नहीं दिते गए। 2500 बच्चा तुहाडे स्कूलों के विचों निकल गया, 30 तो लगे 32 करोड़ रुपया बाहर होया सी गल लंगर वास्ते, वो भी तुसीं टीचरां नूं तनखाह दे विच लगाता। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अधीन चलते विद्यक अदारियां दे स्टाफ नूं तनखाह ना दित्ते जाण दा मुद्दा चुकदिआं इंटरनेशनल सिख कौंसल दे सीनियर वाइस प्रैजीडेंट सरदार जगजीत सिंह मूदर ने दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी मुखी मनजिंदर सिंह सिरसा नूं घेरिया है अते कहा कि कमेटी अधीन चलते स्कूलों का स्टाफ सड़कां ते मोर्चे ला रहा है अते सिरसा साहब कोल इन्हां अध्यापकां दी गल सुन दा भी वक्त नहीं है। जगजीत सिंह मूदर ने बीते कल शहादरा विखे गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल दे बाहर टीचिंग ते नॉन टीचिंग स्टाफ वालों कीते गए रोस मुजाहरे उपर सवाल चुके हैं। उनका कहना है कि हैरानी की गल है कि स्कूल के गेट भी बंद कर दिए गए और गेट के बाहर ही अध्यापकों वालों अपना धरना कड़कती धुप में जारी रखा गया। यह बड़े शर्म की गल है कि स्टाफ अपनी तनखाह मंग रहा है पर सिरसा साहब कोल इन अध्यापकों की मुश्किल सुन का भी वक्त नहीं है। बड़ी हैरानगी की गल है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जिहड़े प्रधान हैगे ने मनजिंदर सिंह सिरसा, इन्होंने ये टीचर की आवाज़ सुननी नहीं रही हैगी, समय तो बाहर हैगी कि जिस तरह पता लगा कि मैं कल 21 तरीक सी और गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल लोनी रोड शादरा दिल्ली जिहड़ियां टीचर ने अपने स्टाफ वैलफेयर की तरफ तो एक जिहड़ा हैगा ना एक मोर्चा लाया सीगा, तो उहदे विच एक गल होर हैरानी की गल हैगी कि जिहड़ा गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के जिहड़ा गेट हैगा वह गेट भी बंद कर दिता गया, टीचरां नूं अंदर नहीं जान दिता गया और वह टीचरां जिहड़ियां सारियां दी सारियां गर्मी दे विच जिहड़ियां कि उत्थे ही बाहर स्कूल दे बाहर बह के जिहड़ा हैगा वह मोर्चा जिहड़ा हैगा उन्होंने लगाया हैगा और हैरानगी दी गल हैगी कि उन्हां दी कोई भी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। यह भी पता लगा कि जिस तरह की कई टीचर नाल गल भी हुई हैगी कि टीचर कहिंदे कि जी सानू जिहड़ियां साडी सैलरी हैगियां सानू सैलरी जिहड़ी हैगी कटौती करके दित्ती जा रही हैगी है ते किस वास्ते कटौती करके दित्ती जा रही है, जद उन्होंने कहा कि सानू डीए तक नहीं दिता जा रहा, सिक्स पे कमीशन का जिहड़ा एरियर हैगा उहदा भी जिहड़ा बकाया सानू अज तक नहीं दिता जा रहा और सैवंथ पे कमीशन जिहड़ी हैगी है ये भी नहीं दित्ती जा रही, जबकि पूरे दे पूरे देश दे विच भारत देश दे विच हर स्कूल दे जिहड़े जिहड़े एडमिनिस्ट्रेशन हैगी है सारे सिक्स पे सैवंथ पे कमीशन जिहड़ी हैगी है वो दे रही हैगी। हैरानगी की गल हैगी कि एडा वड्डा इदा दे विच आपस दे विच एडा वड्डा क्यों भरम फैलाया जा रहा है। टीचरां दा यह भी कहना है कि असी टीचर कहें कि असी मनजिंदर सिंह सिरसा जी नूं और हरमीत सिंह जिहड़े कालका जी ने जनरल सकत्तर जिहड़े हैगे ने उन्हां नूं मिलण गए सीगे, मगर जदों असी मिलण गए सीगे ते सानूं कहा गया सीगा कि तुसी मैं तुहानूं हुणे मिला दिंदे आं, तुसी पहले लंगर छक लो उस तों बाद तुहानूं असी मिला दिंदे आं। टीचरां बड़ियां हैरान हुई हैं कि असी लंगर जदों छक के आए हैं तो उस तों बाद पता लग्गिया कि कालका जी और मनजिंदर सिंह सिरसा जी जिहड़े दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान हैगे ने उत्थों दी निकल ही गए हैगे ने, समझ तो बाहर हैगी, समझ तो बाहर हैगी, क्योंकि टीचर एक ऐसी हैगी है जिन्होंने साडे बच्चों का भविख बनाना हुंदा है, किसी ने टीचर लगना है, किसी ने वकील बनना है, किसी ने जज बनना है, किसी ने पुलिस अधिकारी बनना है, कितों बनना है, ये टीचर ने ही बनाने हैगे, टीचर ने ही बनाना हैगा, यही साडे बच्चों का जिहड़ा भविख जिहड़ी हैगी है ये बना सकती है और लिख सकती है। एक चीज़ मैं समझ नहीं आती हैगी कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ तो कोविड-19 के दिनों के एडा वड्डा लंगर चलाया गया, बेशुमार लंगर चलाया गया, तो पिछले दिनों यह भी देखा गया है कि जिहड़ा कि गुरुद्वारा बंगला साहब के जिहड़ा बाला प्रीतम एक दवाखाना भी जिहड़ा खोलिया गया है। हुण एक गल समझाओ कि जिहड़ियां टीचर जिहड़ियां हैगियां बच्चों का भविख बनांदी पई है उन्होंने एडे वड्डे लंगरां का एडे वड्डे आउंदा भी तुसीं लंगर चलाता उहदे एडा वड्डे तुसीं दवाखाना अपने आप नूं कहिंदे पए कि असीं सस्तियां दवावां की देवांगे, इन्हां टीचरां नूं कदा लंगरां का की फायदा होया, दवाखाना जिहड़ा तुसीं खोलिया उहदा की फायदा होया, मेरे तो समझ तो बाहर हैगी जी। अज असीं गल करिए और बड़ी हैरानगी की गल हैगी कि ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਮਰ ਗਏ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ
गुहार लगाते रहे कि सानू पैसे दे दिओ, उन्हां दा परिवार वाले गुहार लगाते रहे कि साडे साडा परिवार का मैंबर जिहड़ा तुहाडे स्कूलां दे विच टीचर ने वह बीमार ने, इलाज करवाउण वास्ते पैसे चाहिए ने, मगर इलाज कराउण वास्ते भी पैसे उन्हां नूं नहीं दित्ते गए। हैरानगी की गल है जी कि वह संसारी यात्रा पूरी करके रब नूं प्यारे हो गए, बड़ी मनभागी घटना हैगी। मजिंदर सिंह सिरसा जी, एक गल मैं तुहानूं दस देवां कि ये तुहाडी बड़ी वड्डी इक जिम्मेदारी हैगी, स्कूल चलाना तुहाडी बड़ी वड्डी जिम्मेदारी हैगी है, क्योंकि तुहाडी जिम्मेवारी बनती है कि स्कूल दीआं टीचरां नूं समें अनुसार तुसीं उहनां दा सैलरी दिओ, जिहड़ी कि तुसीं उहनां नूं सैलरी तुसीं नहीं दिंदे पे। और अज दी तरीक दे विच तुहानूं इक गल मैं दस देवां कि मेरी सोच दे मुताबक जदों दे सिरसा साहब तुसीं कमांड संभाली हैगी ना, आजादी 2 साल तो तुसीं कमांड संभाली हैगी है, तुहाडा स्कूलां दे वल ध्यान ही नहीं हैगा, क्योंकि तुहाडा स्कूलां दे वल ध्यान नहीं हैगा। क्योंकि मैनूं इह गल पता है, मैनूं पता हैगा पूरी दी पूरी, मैं जानकारी रखना, क्योंकि 2 सालां दे विच 2500 बच्चा तुहाडे स्कूलां दे विचों निकल गया है। हुण 2500 बच्चा जे स्कूलां चों निकल गया तो कित्थों पैसा आएगा, जे जे बच्चा ही स्कूल च नहीं आएगा, पढ़न ही नहीं आएगा, तो पैसा नहीं आएगा। तो ये संगत यह भी जानती है, संगत में पूरी जानकारी हैगी। अज की तरीके असी देखिए मनजीत सिंह जी के जिन्हों तुसी कहते हो गोलक चोर, अज की तरीके दे विच देखिया जाए कि संगत पूरी जानकारी रखती है कि 2013 दे विच मनजीत सिंह जी के जिहड़ा हैगा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जिहड़ा हैगा वह प्रधान बनिया गया सीगा, मगर 2014 दे विच यानी कि 10 या 11 महीने के बाद भी उस बंदे ने सिक्स पे कमीशन लागू कर दी सी, और टीचरां नूं सिक्स पे कमीशन के हिसाब के सैलरी भी दी सी, और सैलरी देनी चालू भी कर दी सी। और मनजीत सिंह जीके ने जिहड़ा हैगा टीचरां नूं 55 तो लैके 60% उन्हां दा जिहड़ा एरिया सीगा वह भी दे दिता सीगा। मगर सिरसा साहब हैरानगी की गल हैगी कि तुसीं 2 साल दे विच टीचरां नूं तुसीं की देना हैगा, तुसीं ते तनखाह भी नहीं दे पा रहे उन्हां दी, टीचरां दी जे तुसीं तनखाह देंदे हो कटौती ना देंदे हो, कल 60% देती कल 20% देती, क्या टीचरां कटौती दे नाल बच्चे पढ़ाउंदियां, क्या टीचरां जिहड़ी हैगियां साडे तुसीं इह गल देखो, क्या टीचरां भी मतलब इहदा मतलब कि टीचरां दे उत्ते वी तुसीं हो गया भी अज दी तरीक दे विच उहनूं पैसे दे दिओ, अज 60% दे दिओ, अज 20% दे दिओ, अज 10% दे दिओ, नहीं चलेगा। मैं कहना वा कि जे तुहाडे कोल इह चीज़ नहीं संभाली जाती, जे तुहाडे कोल इह कमांड नहीं संभाली जाती, तो मनजिंदर सिंह सिरसा जी तुसीं इत्थों दी अपना जिहड़ा हैगा ना तुसीं इत्थों दी परे हो जाओ, किनारे हो जाओ। क्योंकि मैनूं पता हैगा कि मैं भी एक बिजनेसमैन हैगा, मैं भी फैक्ट्री चलाना वा, एक स्कूल चलाने वास्ते जिहड़ा हैगा ना स्कूल चलाने वास्ते बड़े वड्डे पढ़े लिखे सूझवान और एजुकेशनिक बंदे चाहिए ने जिहड़े कि स्कूलों नूं चला सकन। और मैनूं कहिण च कोई भी कुरेज नहीं होएगा, जिहड़े जथेदार संतोख सिंह सी अनपढ़ सी मनजीत सिंह जी के फादर साहब, उन्होंने एक स्कूल बनाया, पहले एक स्कूल तो 10 स्कूल बनाते, अनपढ़ बंदे ने जथेदार संतोख सिंह ने एक स्कूल तो लैके और 10 स्कूल बनाते। और तुहानू शायद जानकारी होएगी कि जब उन अनपढ़ बंदे ने जो स्कूल बनाए तो उत्थे स्कूल दे विच एडमिशन तक नहीं सी मिलदियां, एडा कुछ लैवल एडा लैवल उच्चा सीगा, अज की लैवल रह गया जी, गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल का की लैवल रह गया, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जिहड़े अंडर स्कूल आते हुए कोई लैवल नहीं रह गया। अज की तरीके 10 स्कूलों चो तुम 2 स्कूल भी नहीं सही तरीके चला रहे। तो मैं संगत वालों बेनती करांगा कि तुसी वधिया तो वधिया बंदे लियाओ, तो तुसी ए वाला काम छड्डो, क्योंकि मैनू लगता है तुहानू एडमिनिस्ट्रेशन करनी नहीं आती हैगी, ये तुहानू एडमिनिस्ट्रेशन करनी नहीं हैगी, तो तुसी अपना जिहड़ा कि ना तुसी इहनू अपनी सीट तो उतर के एक वधिया बंदा लियाओ, जिहड़ा कि साडे सिखा दा जिहड़ा स्कूल हैगा ना गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल, साडे गुरुआं दा नाम है गुरु हरकिशन जी, तो इहदी होंद खराब ना करो प्लीज़। और टीचरां नू तनखाह टाइम सिर मिलनी चाहिए है, और टीचरों का कसूर की है मैं समझ नहीं आती पी। अज के तरीके यह भी गल पता लगी है कि तुम्हें तकरीबन 30 तो लगे 32 करोड़ रुपया बहरों आया इस लंगर वास्ते, वो भी तुम टीचरों को तनखाह में लगाता, हूँ कितने कितने गया कि पैसा कितने कितने लग रहा, संगत जानना चाहती है। ये हाथ जोड़ के बेनती है टीचरों को तनखाह सही तरीके सही टाइम पर दो, उन्होंने नाल ही साढ़े बच्चों का भविष्य बनना। जेकर तुहानू साडा यह उपराला चंगा लगा है तो इसनू लाइक करो, शेयर करो और साडे यूट्यूब चैनल नू सबसक्राइब करो।